हे गाइस, व्हाट्सएप में हूँ एसके और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और सॉफ्टवेयर लेके आया जो कि 1506T बॉक्स के लिए है। गाइस, टाइम ना होने के कारण मैं इस सॉफ्टवेयर को डालने में थोड़ा डिले हो गया, जो कि आज से 2-3 दिन पहले आ चुका था। तो गाइस, ये सॉफ्टवेयर जो है 1506T बॉक्स के लिए, जिनके पास वीजोन का 8007 8009 बॉक्स है, वो इस सॉफ्टवेयर को अपने बॉक्स में अपग्रेड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर वो लोग अपग्रेड आसानी से कर सकते हैं जिनके पास पहले जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है बॉक्स में, उसमें DSKM V-Line अवेलेबल है। अगर आपके बॉक्स में DSKM या V-Line है तो आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से अपग्रेड कर पाएंगे। या फिर आप कस्टमर आईडी अगर आप चेक करना चाहें अपने बॉक्स की, तो आप वहाँ चेक कीजिएगा 1506-2 डाल के। अगर आप 1506-2 टाइप करते हैं एंड वहाँ पे जो कस्टमर आईडी शो करेगी, आप वहाँ पे चेक कीजिएगा कि ये 6F से स्टार्ट है EF से। अगर 6F से स्टार्ट है तो ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, और EF से स्टार्ट है तो ये सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा। तो गाइस, उसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कस्टमर आईडी चेंज करके देख सकते हैं। कस्टमर आईडी में आपको मैंने पिछला भी वीडियो बनाया था कस्टमर आईडी चेंज करने पे टॉपिक पे, अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। आगे के 6F और EF चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि ये चेंज करोगे तो आपका बॉक्स डेड हो जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं एंड इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्टवेयर गाइस 2 तारीख इसी महीने का है, सॉरी 18, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/10/2021 स्क्रीनशॉट हो सकता है, वो पुराना है। एंड आप मेन्यू लोग कुछ एंड्रॉयड ऐप का आप देख सकते हैं, इसमें आपको सेटिंग प्रेफरेंस, AV सेटिंग, वाईफाई अपग्रेड वर्जन, यूट्यूब, मल्टीमीडिया, ई-कास्ट, सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। बात करें इसमें GPRS, 3G आप देख सकते हैं, DSKM, V-Line, स्मार्ट कैम, घोड़ा, ये सभी फीचर्स उपलब्ध हैं। अगर आपके पास जो पहले सॉफ्टवेयर बॉक्स में डला हुआ है और उसमें DSKM, V-Line, स्मार्ट कैम और घोड़ा भी नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये हैं तो आपका बॉक्स में ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एंड बात करें इसके फीचर्स की, GPRS, 3G, वाईफाई, USB केबल, नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड हैं। यूट्यूब ओके है, ईविजन है, ईकास्ट है, IPTV है। यूट्यूब ओके है, ईकास्ट एडिड, आप देख सकते हैं ये आ रहा है इसका वर्जन डेट। एंड ये है इसका V-Line DSKM, आप देख सकते हैं, सेटिंग में जाके ये चेक जरूर कीजिएगा। एंड ये देखिए ईकास्ट है, ईकास्ट का क्या यूज होता है, आप मोबाइल से कोई भी वीडियोस यूट्यूब अपने जो TV पे प्ले कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए ये इसका जो चैनल इन्फो बार कुछ इस टाइप का है। मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पसंद है गाइस, लेकिन मैंने ये सॉफ्टवेयर नहीं किया है, इसमें थोड़े फीचर्स कम हैं, जो कि इससे जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें इससे कई ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स नहीं हैं। जैसे कि मैंने उस जो पिछला वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था कि अगर आपके पास 1506T जो गोल्ड टाइप का रिमोट था, अगर वो वाला रिमोट है तो उसमें क्या था कि किसी भी आप सॉफ्टवेयर पे ऑडियो चेंज करते थे, कोई भी चैनल पे मल्टी ऑडियो, तो चेंज नहीं होता था, रिजोल्यूशन सेटिंग की दिक्कत थी। एंड उसमें रिकॉल वाला ऑप्शन था, कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें। मुझे वो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया, मेन्यू सेम है गाइस, बट फीचर्स उसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने जो पहले सॉफ्टवेयर किया हुआ DQKM वाला किया है, तो आप मेरा वो वाला सॉफ्टवेयर अपग्रेड कीजिएगा, और अगर DSKM V-Line वाला आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 4 MB का सॉफ्टवेयर है। कस्टमर आईडी आपको अगर दिक्कत आए तो कस्टमर आईडी आप चेंज कर लीजिएगा, आपका सॉफ्टवेयर ईजिली अपग्रेड हो जाएगा। मैं वीडियो का लिंक, वीडियो जो सॉफ्टवेयर का लिंक है, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस।